तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि रियलमी का जो V5 ये स्मार्टफोन जो है वो चाइना में लॉन्च होने वाला है काफ़ी जल्दी, और यही स्मार्टफोन जो है ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया में रिब्रांड होकर रियलमी 7 सीरीज़ में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको कुछ चेंजेस ज़रूर से देखने को मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि रियलमी 7 आपको इंडिया में किस तरह से देखने को मिलेगा, क्या होगी इसकी प्राइसिंग और कब ये लॉन्च हो जाएगा। तो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो आप पूरा एंड तक देखते रहना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना। तो ज़्यादा टाइम मैं आपको वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डिस्प्ले की बात करते हैं सबसे पहले, तो डिस्प्ले ऐसा बताया जा रहा है कि आपको बिल्कुल सिमिलर मिलेगा जैसे आपको रियलमी V5 में मिलता है। यहाँ पर आपको 6.5 इंचज का Full HD+ डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको IPS की स्क्रीन मिलेगी। तो मुझे लगता है कि अभी जो है उनको सुपर एमोलेड की स्क्रीन लगा देनी चाहिए, क्योंकि सुपर एमोलेड की स्क्रीन और एमोलेड की स्क्रीन बेटर होती है IPS डिस्प्ले के कंपैरिजन में। लेकिन हाँ, आपको इस स्मार्टफोन में ज़रूर से IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा सामने की तरफ आपको एक पंचुअल सेल्फी भी मिलेगी, तो ये बिल्कुल कन्फर्म्ड है। और इस स्मार्टफोन में मुझे लगता है आपको एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाएगा। और पीछे की तरफ जाते हैं तो डिज़ाइन आपको काफ़ी कमाल का मिलेगा, यानी कि आपको एक ग्रेडियंट फिनिश में डिज़ाइन मिलेगा, जहाँ पर आपको ग्लास का बैक मिल सकता है। और पीछे की तरफ आपको स्क्वायर में क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें से मेन सेंसर आपको 64 मेगापिक्सल का मिलेगा, दूसरा सेंसर आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाएगा। जी दोस्तों, आपको इस बार 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड अच्छा मिलेगा, साथ में 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाएगा। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 720 चिपसेट मिलेगा, जो 5G के सपोर्ट के साथ में आने वाला है। वैसे चिपसेट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त चिपसेट है, अगर ये चिपसेट के साथ में इंडिया में आता है तो आपको काफ़ी कमाल का फ़ोन देखने को मिल जाएगा गेमिंग और परफॉर्मेंस के मामले में। इसके अलावा ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा 2 वेरियंट में, 6GB रैम, 64GB स्टोरेज और 8GB रैम, 128GB स्टोरेज। साथ में आपको इस स्मार्टफोन में Realme UI मिलेगा और एंड्रॉयड 11 पर ये काम करेगा। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में आपको जो बैटरी मिलेगी वो होगी 5000 mAh की, तो बैटरी आपको काफ़ी सही मिलने वाली है इस बार। और साथ में आपको 30W का फास्ट चार्जर भी मिलेगा, जो रियलमी का स्पेशल चार्जर होता है वही। तो ये थे इसके पूरे फीचर्स और स्पेसिफिकेशन। और अगर मैं बात करूँ इंडिया लॉन्च डेट की, तो ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में अगस्त के एंड में या फिर सितंबर के महीने में देखने को ज़रूर से मिल जाएगा। और प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये आपको अंडर 20,000 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये भी कंफर्म्ड है, मैं बता रहा हूँ अपनी तरफ से। तो अंडर 20,000 आपको जरूर से मिल जाएगा। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर देना, सारी चीज़ों के में शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपको मिलता हूँ एक और नए फ्रेश वीडियो में। टिल देन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।